हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली, आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का बजा है 9 और मुझे देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ता में हम लोग खाने वाले हैं ब्रेड साथ में चाय। ब्रेड ऐसे ही खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए देखिए मैं हल्का हल्का सेक ले रही हूँ। हम गरीबों के पास टोस्टर नहीं होता है फैमिली, तो यही है हम लोग का टोस्टर। कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताना। हम लोग टोस्टर नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा बात नहीं है फैमिली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग, जब जुगाड़ू दिमाग अप्लाई करके काम चल जा रहा है, तब पैसा क्यों वेस्ट करना। क्या फैमिली, आप लोग एग्री करते हो ना मेरा बातों से। खैर, आप लोग से बातें करते करते इधर देखिए, मेरा चाय भी बन गया है और ब्रेड भी टोस्ट हो गया है। और मैं ब्रेड इतना ज्यादा जला दी थी कि मम्मी देखकर बोल रहे थे मैं तो नहीं खाने वाली हूँ। तो इस ब्रेड को तो मैं और प्यासा ही अभी खाने वाले है। तो देखिए, प्यासा भी नहीं ले रही थी, जबरदस्ती मैं उसको 2 ब्रेड दी और उससे मैं अच्छा वाला ब्रेड 1 पीस ले ली थी। जब आप चाय में ब्रेड डुबो के खाते हो ना, तब ज्यादा चाय लेना चाहिए, नहीं तो लास्ट में देखोगे चाय खत्म हो गया है और ब्रेड रह गया है। खाने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन मेरा जला हुआ ब्रेड से ज्यादा अच्छा नॉर्मल जो ब्रेड था वही अच्छा लग रहा था। बाद में मैं भी अफसोस कर रही थी, क्या करने में ब्रेड सेकने गई, मैं नॉर्मल खाती तो वही अच्छा होता। ऑलमोस्ट सभी लोग ब्रेड में बटर लगाकर खाते है या फिर जैम लगाकर खाते है, लेकिन मुझे ब्रेड चाय में डुबो के खाना अच्छा लगता है। और जो अंडा ब्रेड होता है ना, मतलब जिसको बंगाली में बोलते हैं डिम टोस्ट, ऐसे ही खाना मुझे अच्छा लगता है। नाश्ता करके अभी देखिए मैं आ गई हूँ छत पे। और पता है फैमिली, मेरा केयरलेस के वजह से क्या हो गया है, कल जो मैं फूलों का बीज सूखने के लिए रखी थी ना छत पे, मैं वो उठाना ही भूल गई थी शाम को। और रात को थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था, तो सारा बीज मेरा भीग गया है। तो मम्मी बोले कि आज ही उसको बैठा देने के लिए, नहीं तो फिर वो सड़ जाएगा और पूरा बीज बर्बाद हो जाएगा, एक भी पौधा नहीं निकलेगा उससे। तो इसलिए देखिए अभी मैं छत पे आ गई हूँ वही बीज को रोपने। तो ये देखो फैमिली, मैं अच्छे से बैठा दी हूँ और ऊपर से थोड़ा करके मिट्टी भी दे दी और थोड़ा सा पानी भी दे दी। ऐसे तो बारिश होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी दे दी क्योंकि अभी धूप है ना इसीलिए। और इधर देखिए कितना सुंदर सा एक फूल हुआ है। है तो ये गुड़हल का फूल, लेकिन देखिए पूरा गुलाब का फूल जैसा दिख रहा है। सुबह का 9 बजे चाय और ब्रेड खाए थे, अभी तो 11:30 बज रहा है, भूख तो लगेगा ही। अब उतना सा खाना में थोड़ी ना मेरा पेट भरता है। तो चलिए फैमिली, कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। घर में थोड़ा सा पांता भात है, मतलब कल रात का बासी भात, तो इसलिए देखिए मैं थोड़ा सा अंडा फ्राई कर ले रही हूँ। और इधर देखिए थोड़ा सा सरसों का तेल ले ली हूँ और उसमें देखिए एक सूखा मिर्च तोड़ के दे दी हूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। आप लोग सोच रहे हो ना ये क्या कर रही है पिंकी, तो इसको बोलते हैं फैमिली तेल लौंका। ये मैं आलू चोखा के साथ मिक्स करने के लिए बना रही हूँ। ये देखो फैमिली, बारिश स्टार्ट हो गया है। अब इस बारिश में पांता भात खाने का मजा दुगना हो जाएगा। और इधर देखिए मैं सब कुछ रेडी कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ले ली हूँ पांता भात और ये है ऑमलेट जो मैं अभी अभी जस्ट बनाई। और यहाँ पे देखिए तेल लौंगा करके मैं आलू चोखा अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और देखिए फैमिली, मेरा थाली में पांता भात बहुत ही ज्यादा कम दिख रहा है। ऐसा होने का रीजन मैं बताती हूँ आप लोग को। एक्चुअली पांता भात बहुत ही ज्यादा था, मम्मी जबरदस्ती मेरे से पांता भात ले लिए है और खुद खा रहे है। एक्चुअली मेरा पांता भात खाने से एसिडिटी हो जाता है और मैं जबरदस्ती खा रही थी, तो इसलिए मम्मी ऐसे की है ताकि मैं कम खाऊं और मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अभी अभी कुछ नोटिस किए आप लोग फैमिली, मैं अभी जस्ट आप लोग को दिखाई कि बारिश हो रहा है, चलिए दुगना खुशी मिल गया मुझे पांता भात खाने का। लेकिन देखिए जैसे ही मैं अपना पांता भात दिखा रही थी आप लोग को, ऐसे ही देखिए फिर से धूप उग गया है। चलिए नाश्ता तो हो गया है, अभी मम्मी का थोड़ा सा हेल्प कर देते है। ये जो साग है, ये साग को बोलते है कलमी साग। और ये मैं कल जब गई थी काकीमा के घर, मतलब रीतम के घर, वहीं से मैं लाई हूँ। दादी तोड़ के रखे थे तो इसलिए मुझे दे दिए थे। अच्छा ही लगता है ये साग खाने में। और ये साग खुद से खेत में ही होता है, इसको चास करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ये जहाँ पे हुआ है ना वो खेत, और हम लोग का खेत मतलब जो माठ बोलती हूँ मैं, जहाँ पे बहुत सारा खेत है, मतलब दादी लोग का माठ और हम लोग का माठ सेम है, मतलब एक ही माठ है। और हम लोग का तो एक ही खेत है जिसमें धान चास होता है। तो वो जो खेत है ना, वो खेत में बहुत सारा ऐसा कलमी साग हुआ है। हम लोग के गांव से सब आंटी लोग दीदी लोग जाते हैं और वहीं से तोड़ के लाते हैं। और सब बोलते हैं कि तू लोग का खेत में बहुत सारा कलमी साग हुआ है, लेकिन हम ही लोग नहीं जाते हैं, बहुत दूर में है ना। अभी तो बारिश हो रहा है तो बहुत ज्यादा कीचड़ भी हो गया है उधर। अगर मैं कभी उधर जाऊंगी तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। मम्मी उधर खाना बना रहे हैं और मुझे देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ अभी छत पे। और आज देखिए फिर से मैं अपना हेयर वॉश की हूँ। वैसे तो डेली हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, इससे हेयर डैमेज हो जाता है। तब मैं 2 या फिर 3 दिन करना ही सही रहता है। लेकिन इस साल का गर्मी में ही मैं डेली हेयर वॉश कर रही हूँ। एक तो सिर में पसीना होता है और ऊपर से पूरा हेयर भीग जाता है, इसलिए मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। लेकिन शैम्पू मैं हफ्ता में 3 दिन ही यूज करती हूँ।
और आज है सैटरडे, इसलिए देखिए प्यासा जल्दी स्कूल से आ गई है घर। और देखिए वो क्या लेते हुए आई है, बहुत दिनों बाद, मतलब 2 मंथ, तो एक तो छुट्टी था स्कूल का, उसके बाद 2 मंथ के बाद स्कूल खुला है और ये है फर्स्ट सैटरडे, मतलब स्कूल खुलने के बाद। और हर सैटरडे को घुगनी मिलता है, आप लोग को तो मैं बताई भी हूँ पहले, तो ये देखिए वो घुगनी लेते हुए आई है। और इस घुगनी का सभी लोग फैन है, मैं तो खास करके मैं हर वीक का सैटरडे वेट करती हूँ कब प्यासा घुगनी लेकर आई है, यही सोचकर। स्कूल का खाना वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, और खास करके खिचड़ी और ये घुगनी, बच्चा लोग को जो खिचड़ी मिलता है ना, वो खिचड़ी भी खाने में बहुत मस्त लगता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रेसिपी होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो दोपहर का खाने में देखिए था आलू गोंगड़ा का सब्जी और कलमी साग भाजा और साथ में घुगनी। मैं तो आलू गोंगड़ा का सब्जी बस ऐसे ही ली थी, लेकिन मैं ज्यादातर खाना साग से और घुगनी से ही खाई थी। बाद में मैं वो सब्जी प्यासा को दे दी थी और तब मैं आप लोग को दिखाई थी ना कितना ज्यादा साग था, लेकिन फैमिली फ्राई करने के बाद साग एकदम थोड़ा सा हो गया था। ये साग ऐसे ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन फ्राई करने के बाद ये कम हो जाता है। अभी घड़ी में बजा है 4 और मुझे देखिए मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ खिड़की के सामने। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए मैं दोनों टाइम चाय पीती हूँ, एक सुबह में और एक अभी। सुबह में तो मैं दूध चाय पीती हूँ, लेकिन अभी मैं लाल चाय पीती हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को तो पता ही है मुझे एसिडिटी हो जाता है। और ये जो देख रहे हो ना फैमिली, सामने जो कल है वहाँ पे कुछ लोग हाथ मुंह धो रहे थे, तो ये लोग आए है रास्ता बनाने, मतलब हम लोग के घर के सामने जो रोड है ना वही रोड बन रहा है। शायद ये अंकल लोग बंगाली नहीं है और बंगाली शायद इनको नहीं आता है, और ये अंकल लोग ना आपस में ही बंगाली कुछ बातों को लेकर मतलब हंस रहे थे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना जल खाबो, मतलब पानी खाऊंगी, लेकिन पानी तो हम लोग नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हम लोग बंगाली में बोलते हैं जल खाबो। इसीलिए वो लोग जब आए थे कल में पानी पीने के लिए और हाथ मुंह धोने के लिए, और जब वो अंकल लोग पानी पी रहे थे तब बोल रहे थे पानी खाबो पानी खाबो, ऐसे करके मतलब हंस रहे थे। तो यही बातों को सुनकर मुझे और मम्मी को हम लोग का बात याद आ गया था। आप लोग को तो पता ही होगा मैं मम्मी के साथ सादरी में बात करती, सादरी मतलब जो रांची का लोकल लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ। कभी कभी हम लोग भी खुद बंगाली होकर बंगाली बातों को लेकर हंसी मजाक करते हैं, जैसे कि अंकल लोग कर रहे थे। शाम को बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ा के फैमिली में थोड़ा सा चली गई थी मार्केट पापा के साथ, और मैं वहाँ पे क्लिप लेना भूल गई थी। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था मैं सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ। मार्केट से आते वक्त बूंदिया लेते हुए आई थी और अभी रात का 10:30 बज गया है, और मुझे देखिए मैं डिनर कर रही हूँ और मेरा ऑपोजिट साइड में मम्मी बैठे हैं, तो मैं और मम्मी देखिए बातें करते हुए खा रहे हैं। तो चलिए फैमिली आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं और एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।